निर्दलीय विधायकों की आज सुबह पंचकुला में मीटिंग हुई, 6 विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री के दरबार में 4 विधायक पहुंचे। नैनपाल रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। प्रिथला से विधायक हैं ये। रावत साहब, सीएम साहब से आप 4 विधायक मिलने आए, कौन कौन से विधायक मिलने आए? देखिए, आज दिन में हमारे माननीय विधायक जो श्रीमान रणधीर गोलन जी हैं, उनके वहाँ पर हमारा एक सुबह दिन में लंच का प्रोग्राम था, जिसमें 6 विधायक हम साथ थे। और अभी यहाँ पर राकेश दौलताबाद जी, रणधीर गोलन जी और धर्मपाल गोंदर के साथ मैं भी आया हूँ। और बस माननीय मुख्यमंत्री जी से शिष्टापूर्वक मुलाकात के बाद केवल यही कि भाई किसानों का जो मुद्दा है वो अब जल्द से जल्द सुलझना चाहिए। और 20 दिन इस समय को हो गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सीधा सा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक केंद्र का मसला है और केंद्र से ही इसका जो है ना निवारण होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भाई जो ना आज अब माननीय मोदी जी और हमारे अन्य मंत्रीगण इस पर विशेष फोकस बनाए हुए, जल्दी इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकल जाएगा। आज सुबह 6 विधायक थे, पहुंचे 4, ऐसे 2 विधायक कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं जो नहीं आए? देखिए, सोमवीर सागवान जी और जजपा के विधायक जोगीराम सहाग जी भी आज हमारे साथ थे, क्योंकि ये कोई पहले से इसकी कोई भूमिका नहीं बनाई थी कि भाई हम लोग इकट्ठे होंगे। ये तो सुबह अचानक प्रोग्राम बना और हम लोगों ने जो है ना वो लंच के लिए टाइम रख दिया हमारे विधायक रणधीर गोलन जी ने। और उसके बाद जो अन्य जो चीज़ें हैं निश्चित तौर पर चर्चा होती है, तो किसानों के मुद्दे पे भी बात हुई, अन्य भी चर्चा हुई। और उसमें सोमवीर सागवान जी जो है ना वो पहले से ही किसानों के साथ खड़े हैं और आज उनको कहीं जाना था वो वहाँ चले गए, और जोगीराम सहाग जी का हमारे साथ तय ही नहीं था। कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से दिल्ली के इर्द गिर्द इस वक्त किसान जमे हुए हैं, उसको लेकर आप विधायकों पर भी कोई दबाव है किसानों का? देखिए, जहाँ तक मैं मेरे क्षेत्र की बात करूँ, मेरा जो क्षेत्र है वो भी छोटा या बड़ा किसान वहाँ रहता है और पूरा लोकल मेरा जो ना एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन मेरे यहाँ से ना तो कोई किसान ना ही अन्य वर्ग ना तो आंदोलन को समर्थन करने के लिए, हाँ कुछ मतलब 50-100 की बात हो तो अलग है जो पलवल फैजाबाद से आए होंगे, लेकिन मेरे यहाँ ना तो मेरे पे इस तरह का कोई दबाव है कि भाई इसमें कुछ चेंज होना चाहिए। क्योंकि किसान समझदार है, वो जानता है कि पहली बात तो ये केंद्र सरकार का मसला है, जो तीनों अध्यादेश लाए गए हैं वो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हैं। और दूसरा, किसान इस बात को भी मेरा समझता है कि अगर ये पंजाब से शुरू हुआ था, पंजाब में मैं समझता हूँ कि इसको जो तूल देने में कांग्रेस पार्टी का विपक्षी दलों का हाथ रहा है और उसी का जो ये प्रायोजित एक प्रकार से एजेंडा है। और अगर पंजाब को किसान की इतनी चिंता है तो कम से कम SYL का जो पानी है वो भी हरियाणा के लिए छोड़ना चाहिए। क्या अगर पंजाब में किसान रहता है तो क्या हरियाणा किसानों से वंचित है, हरियाणा में किसान नहीं रहते? तो अगर उनको किसानों की वाकई चिंता है तो SYL का पानी भी साथ के साथ हमें देना चाहिए। और जो कृषि अध्यादेश हैं, अगर उसमें कोई खामी होगी तो केंद्र सरकार उस पर निश्चित तौर पर अमल लाएगी और उसको अमेंडमेंट करके उसको ठीक करेगी। कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार आपने भी कहा कि आंदोलन लंबा होता जा रहा है, ये सारी परिस्थितियाँ जो है इसको लेकर क्या आज विधायकों में मंथन हुआ था, निर्दलीय विधायकों में? हाँ, निश्चित तौर पर हुआ था, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि 20 दिन अब इस मामले को हो गए हैं और चाहे जैसे भी है, चाहे किसी का षड्यंत्र है या विपक्षी पार्टियों का है या किसान अपनी जायज मांग मांग रहे हैं, तो जो भी इस पर निष्कर्ष निकलता हो उसको जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी से जब आप मुलाकात करके आए तो मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी किसान के साथ साथ मजदूर, व्यापारी हर वर्ग के साथ हैं और हर वर्ग का कल्याण करते हैं। और हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी माननीय मुख्यमंत्री चिंता ना करते हों। तो उन्होंने भी ये की बात कही कि हमें निश्चित तौर पर इस बात की चिंता है और माननीय मोदी जी और हमारी केंद्र की सरकार के मिनिस्टर सभी इसको सुलझाने में लगे हुए हैं। जो निर्दलीय विधायकों की आज मीटिंग हुई, इसमें चौधरी रंजीत सिंह नहीं थे? जी, चौधरी रंजीत सिंह नहीं थे, ये तो बाई दिवे ही प्रोग्राम बना था। और क्योंकि हम सारे विधायक नज़दीक रहते हैं तो साथ साथ प्रोग्राम बना, साथ साथ लंच का प्रोग्राम लगा दिया। भविष्य में कोई ऐसी चर्चा या मीटिंग होने हो? नहीं, कोई किसी प्रकार की मीटिंग नहीं होनी भविष्य में। और वैसे हम आमतौर पर अमूमन मिलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी चाय के लिए, कभी खाना के लिए। और सारे के सारे विधायक निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं और निश्चित तौर पर पूरा 5 साल ये सरकार चलेगी। तो ये है नैनपाल रावत, इनका कहना है कि सभी निर्दलीय विधायक पूर्णतया मुख्यमंत्री के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी से आज मिले हैं, उनसे अनुरोध किया कि किसानों का आंदोलन लंबा हो रहा है, केंद्र सरकार से वो हस्तक्षेप की अपील करें, मांग करें। और उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया कि वो बात करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।